बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉमन एक्टोपैरासाइट्स जो डेयरी एनिमल्स में होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो खास खास है वो है लाइस, टिक्स, माइट्स एंड फ्लाइस। टिक्स जो होती है, दे थ्राइव ऑन एन एनिमल्स बॉडी टिल ट्रीटेड और कंट्रोल्ड। ये तब तक एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं जब तक नहीं इनको ट्रीट किया जाए और कंट्रोल किया जाए। टिक्स लिव ऑन द एनिमल्स बॉडी फॉर ए शॉर्ट। ये ज़्यादा देर तक एनिमल्स की बॉडी पर नहीं रहते, शॉर्ट पीरियड के लिए आ जाते हैं। ये किस पर फीड करते हैं? ये ब्लड पर फीड करते हैं, और जब भी ये काटते हैं उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है उस एरिया पर जिस पर ये काटते हैं। दे ट्रांसमिट सेवरल डिजीज टू द एनिमल। ये डिजीज़ भी, बहुत सारी डिजीज़ भी एनिमल्स में ट्रांसमिट करते हैं, मतलब ये एज कैरियर्स एक्ट करते हैं फॉर वेरियस डिजीज़। दीज फीड ऑन द ब्लड। ये किस पर फीड करते हैं? ब्लड पर, स्वेट पर, स्किन सेक्रेशन, टीयर्स, सलाइवा, यूरिन एंड फीस ऑफ द एनिमल। दे पंचर इट्स स्किन और इन्फेस्ट ऑन द वॉन्ड्स। ये किस पर? ये यहाँ तो स्किन में पंचर करते हैं और ये वॉन्ड्स को अटैक करते हैं। जो फ्लाइज है ये कैरियर्स ऑफ वेरियस डिजीज एक्ट करते हैं। दे ट्रांसमिट डिजीज। ये ट्रांसमिट डिजीज करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू हेल्दी एनिमल। दे ऑल्सो कॉज इरीटेशन एंड डिस्टर्बेंस टू द एनिमल। इनकी वजह से इरिटेशन आ जाती है एनिमल में एंड डिस्टर्बेंस उनमें आ जाती है, और जिसकी वजह से आपको पता ही है रिड्यूस इन मिलीकील्ड हो जाता है। माइट्स एंड लाइस। दे लिव ऑन द एनिमल्स हेयर एंड बॉडी सरफेस। कहाँ? हेयर और बॉडी सरफेस पर ये रहते हैं। दे आर परमानेंट रेजिडेंट्स। ये कंटिन्यूसली एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं, और किस पर फीड करते हैं? स्किन, टिश्यूज़ पर एंड ब्लड पर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में अगर हम देखें, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ एक्टोपैरासाइट्स काज पुअर हेल्थ ऑफ द एनिमल्स ऑन ए फार्म। जिस फार्म में भी एक्टोपैरासाइट्स ज़्यादा अटैक करते हैं तो उसमें जो भी एनिमल्स हैं उनकी हालत वीक हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मेडिसन्स अवेलेबल हैं जो एक्टोपैरासाइट्स का स्प्रेड रोकते हैं, मगर एक्टोपैरासाइट्स को कम्प्लीटली फार्म से इरेडिकेट करना, इसको ख़त्म ही करना इन एक्टोपैरासाइट्स को, ये मुश्किल काम है। कुछ प्रैक्टिस हैं जिनकी वजह से हम जो हैं इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो और इनको किस लेवल पर रह सकते हैं? टॉलरेबल लेवल, जिस लेवल पर एनिमल्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। जो वेरियस प्रैक्टिसेस हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं इन डेयरी फार्म्स में, उसमें कुछ खास प्रैक्टिस है। फार्म हाइजीन, फार्म को साफ़ सुथरा रखना, हेल्थ, जो सेहत का ख्याल रखना है एनिमल्स का, जो ग्रास है उसको ट्रिम करना अराउंड द शेड्स, रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट इन एंड अराउंड द शेड्स बाय कवरिंग द ड्रेन्स एट्सेट्रा। ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हम जो है डेयरी एनिमल्स को एक्टोपैरासाइट से बचा सकते हैं। आल्सो द पास्चर जो होता है उसको हम ट्रीट करते हैं केमिकल से, डिसइंफेक्टेंट से, जैसे ही ग्रेजिंग सीजन नज़दीक आता है। और जो भी नए एनिमल्स हैं फार्म में उनको हम ट्रीट कर सकते हैं केमिकल्स से, एक्टोपैरासिटिक
सिटीसाइड्स, एक्टोपैरा सिटीसाइड्स जो है वो हम उसकी मदद से हम इन एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, तो उससे जो है पैरासाइट्स ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते हैं। मगर इसका सिंगल डोज जो हम देते हैं उससे हम वो इतना कारगर नहीं है कि हम स्प्रेड को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली इस किल द एक्टिव पैरासाइट्स प्रेजेंट, द फर्स्ट ट्रीटमेंट विल ओनली किल द एक्टिव पैरासाइट्स प्रेजेंट ऑन द एनिमल्स बॉडी। जब भी हम फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं उससे खाली कुछ एनिमल्स जो है खाली वो एक्टोपैरासाइट्स जो मरते हैं जो एनिमल्स की बॉडी में उस वक्त प्रेजेंट होते हैं। सेकंड ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, दूसरा ट्रीटमेंट ज़रूरी है आफ्टर 15 to 21 डेज टू किल एक्टोपैरासाइट्स दैट माइट हैव हैचड फ्रॉम द एग्स सिंस द फर्स्ट ट्रीटमेंट। 15 दिनों के बाद या 21 दिनों के बाद हमें दूसरा डोज देना चाहिए ताकि जो भी नए एक्टोपैरासाइट्स एग से निकले हों वो भी ख़त्म हो जाए। बिसाइड ट्रीटिंग द इफेक्टेड एनिमल इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द शेड्स। खाली एनिमल्स को ही ट्रीट नहीं करना है, हमें ये भी करना है कि हमें इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन जो शेड्स हैं उनको क्लीन और डिसइंफेक्ट करना कंटिन्यूसली ताकि डेयरी एनिमल्स इन एक्टोपैरासाइट्स से बचे। अल्लाह हाफिज़।